जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक अपडेट डिस्कस करनी है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपडेट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को, जैसे आप सब बच्चों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है हो चुके हैं और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिजल्ट आने का इंतजार है। ये रिजल्ट आपको बताता चलूं कि डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट है, ठीक है। इस डिस्क्रिप्टिव से पहले आप लोगों का स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग में बच्चे जो है स्क्रीन आउट हुए, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हुआ आप लोगों का। डिस्क्रिप्टिव में डिफरेंट सेंटर्स में जहां जब बच्चों ने पेपर दिया, वो सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं पेपर्स का। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जी आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एग्जैक्ट डेट क्या है, आप लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है, तो और आप लोगों का इस बार मेरिट क्या बन रहा है, रिजल्ट का मेरिट क्या बन रहा है डिस्क्रिप्टिव के बाद। तो बच्चों सबसे पहले जी मैं आप लोगों को थोड़े से पहले चीजें बता दूं। देखिए आप लोगों का पेपर होता है तकरीबन आई बिलीव के 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों के पेपर थे, ठीक है। दिसंबर मतलब ये जो सॉरी जैन का ये वाला महीना था, इसमें आप लोगों के पेपर थे। ये मैं ये जो अभी के ये 7 जनवरी से 15 जनवरी कह रहा हूँ, ये मैं प्रीवियस का बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो आप लोगों के पेपर रिसेंटली हुआ है ना, 2-2.5 महीने पहले, डिस्क्रिप्टिव की बात करूं। ये जो पिछले साल के पेपर थे ना, मैं पिछले साल का मुआवजना करके आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले साल रिजल्ट कितने महीने बाद आया, तो इस दफा चांस क्या है। अच्छा जी बच्चों, पिछले साल के जो पेपर थे वो 7 जनवरी से 15 जनवरी में ही हुए थे, डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, ठीक है। और फिर बच्चों इस के बाद आप लोगों का जस्ट पे विद मी, अच्छा 15 जनवरी को आप लोगों के इम्तिहान होते हैं, ठीक है। और आप लोगों के इस इम्तिहान का रिजल्ट जो है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट जो है, साइकोमेट्रिक से पहले आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना है, और वो रिजल्ट जो है वो आया था तकरीबन 13 मार्च को, ठीक है। तो जनवरी और फेब और मार्च, ये तकरीबन 2 से कुछ महीने प्लस कुछ दिन प्लस का ये प्रोसेस था, 2 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ चुका। और अभी बच्चों आप लोगों का रिसेंटली पेपर हुए हैं, शायद आप लोगों का 1.5 माह हो गया पेपर को, तो इस बार भी सेम ऐसा ही चांस है कि इस बार भी आप लोगों का 2-2.5 महीने लगेंगे आप रिजल्ट आएंगे। इस बार लास्ट ईयर की तरह अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो इस बार बच्चों की तादाद कम थी, कम बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कम बच्चे अपीयर हुए हैं तो कम टाइम लगेगा पेपर चेकिंग में, कम टाइम पेपर चेकिंग में लगेगा, तो शायद 2 महीने से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। 2 महीने आप लोगों के तकरीबन पूरे होते हैं 22 जुलाई को, ठीक है। और 22 जुलाई यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि अगस्त फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, अगस्त फर्स्ट वीक तक आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो जो बच्चा डिस्क्रिप्टिव के मेरिट पे आगे जाएगा वो फिर एलिजिबल होगा साइकोमेट्रिक के पेपर के लिए। साइकोमेट्रिक का आप लोगों का पेपर होगा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, और इसमें साइकोमेट्रिक का इंटरव्यू और पेपर्स होते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं, सेंटेंस वगैरह, खैर उसके बाद में वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात नहीं बताई जा सकती इस वीडियो में कि आप लोगों का इस दफा डिस्क्रिप्टिव का मेरिट कितना बनेगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मुझे जब कंफर्म चीजें आएंगी, आप लोगों को पता है कंफर्म न्यूज पे इंशाल्लाह वीडियो बनाई जाती है, कोई फेक कोई कुछ नहीं होता, तो इंशाल्लाह जब मुझे इसका कंफर्म होगा तब आई विल लेट यू नो कि मेरिट कितना है। बाकी अभी आप लोग यही जहन में रखें कि बच्चों आप लोगों का अगस्त में रिजल्ट आने के चांस है। तो एक अपडेट थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इम्तिहान के हवाले से, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो कि रिजल्ट अपडेट है वो यही है कि आप लोगों का अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप लोगों को साइकोमेट्रिक के लिए आप लोगों को तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, और उसके बाद आप लोगों का फिर इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से दबा।